दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं हाईवे, ये है NH 48 और ये बैंगलोर पुणे का हाईवे है। हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से कुमटा, नॉर्दर्न कर्नाटक में पड़ता है ये। और रास्ते में ये पेट्रोल पंप था तो हम यहाँ पे रुके और हमें ये दिखा। अब ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, पहले नीचे भी दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरीके का है। पहले तो ये आप देख लो ये, और ये पौधा है या पेड़ देख लो, बिल्कुल बहुत लाइन से लगाए हुए हैं इन्होंने। ये देखिए बिल्कुल लाइन से लगा रखे हैं और ऐसा बहुत बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जिस तरीके से ये लगा हुआ है। रोड के किनारे काफ़ी जगह है और ये इसके क्लोज में जाऊं अगर, ये देखो दोस्तों ये है सुपाड़ी। और मैं पहले बीच में सोच रहा था कि ये होगा नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़ हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सुपाड़ी के पेड़ हैं। और इस तरीके के होते हैं सुपाड़ी के पेड़, आप लोग देख लो। इसका ब्रीडिंग टाइम जो है वो पूरा कंप्लीट होने का आई थिंक 6 महीने होता है, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। बट मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, विकिपीडिया का लिंक, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये है सुपाड़ी का पेड़, ऐसा होता है। आप यहाँ देखोगे तो ये इसकी जो थिकनेस है वो कोई ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखिए मैं, ये देखिए ये इतना मैंने पकड़ लिया तो ये आधा बचा, मतलब इतना ही है। और इसमें सुपाड़ी लगी हुई है, बहुत सुंदर है दोस्तों, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत। और ये बहुत सारी जगह रास्ते में दिखा, देखो बिल्कुल लाइन से लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखिए पूरा लास्ट तक बहुत सुंदर, बीच बीच में लगा हुआ है। जैसे वो देखिए खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर जिसका भी लैंड होगा उसने लगा दिया। तो इस तरीके का जो खुला वाला लैंड है वो जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मिट्टी, यहाँ की आपको दिखाता हूँ, मिट्टी इस तरीके की है, यहाँ पर ये लाल तरीके की मिट्टी है, इस तरीके की मिट्टी है यहाँ पर। ये कर्नाटक के, हम नॉर्दर्न कर्नाटक की तरफ चल रहे हैं तो ये यहाँ का है, ऐसा मिट्टी है और इस तरीके का मिट्टी है और थोड़ा भूरभूरा टाइप का होता है ना, हल्का सा रेत वाला फील उस तरीके से, बहुत बारीक। तो ये है, अच्छा लगा काफ़ी देखकर।